नर्मदा जिल्लानी कवड़िया कॉलोनी खाते आदिवासी महिलाओं उत्तर प्रदेश हाथरस में बनेली वाल्मीकि समाज की युवती साथ बनेल सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने वखोड़ी काढ़ी विरोध प्रदर्शन कर केवड़िया कॉलोनी खाते मोटी संख्या में छ गामों की आदिवासी महिलाओं एकत्र थी यूपी में बनेल सामूहिक दुष्कर्म की घटना विरोध कर नराधमों ने फांसी की सजा मे ती मांग साथ एक आवेदन पत्र मामलतदार ने सुप्रत कर केवड़िया विस्तार के आजू बाजू के 25 गांव की बहनें हैं, बहनों का एक मंच है। हम लोग हाथरस की बेटी जो मनीषा के साथ जो कृत्य हो गया है उसके साथ अमानवीयता, असंवेदनशील, अन्यायी व्यवहार हुआ है उसके लिए योग्य कार्यवाही करें, इसलिए हम महिला जूथ के साथ रैली के स्वरूप में आवेदन पत्र देने के लिए मामलेदार कचहरी में पहुंचे हैं। मनीषा के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, उसके साथ बलात्कार करने के बाद भी उसका देह का बहुत बुरा हालत कर दिया है। उसका जो निवेदन है ये दूसरों को बता न सके, इसलिए उसकी जीभ काटी गई है, उसके साथ बहुत खराब कृत्य किया है। उसके बाद भी मनीषा की बॉडी है उसको भी अच्छे से दवाई भी नहीं दी गई, अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल भी नहीं किया, और उसकी जो देहांत हो गया उसके बाद भी उसके परिवार को उसके देह को सौंपा गया नहीं, और पुलिस कर्मियों ने उसके देह को आधी रात को जला दिया। तो उसका परिवार को न्याय मिले और मनीषा को भी न्याय मिले, इसलिए हम लोग यहाँ तक आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। आप कौन से गांव से आए हो? कहाँ? हम सुरवाणी गांव से, मेरा नाम फूलाबेन मणिलाल है।